गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज इतनी सुबह सुबह? प्रोजेक्ट जो खत्म होने का नाम ही नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं प्रोजेक्ट ही छोड़ दूं या फिर I'm fed up of this project। मैं बताऊं ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम इसमें इतना वक्त लगा रहे हो कि तुम खुद ही उलझते जा रहे हो। ना, एक क्यों नहीं मिल रहा मुझे? इतनी मेहनत करने के बावजूद एक रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। एनीवे, प्रिया, शिल्पा जो गॉथिक स्टाइल के ऊपर किताबें लाई थी वो कहाँ हैं? देखो राज, शिल्पा जो किताबें लाई थी वो मुझे नहीं तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ना ही मैंने वो किताबें देखी हैं और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है कि मैं वो किताबों को देखूं। फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मैं इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूं और ना ही इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। What's wrong with you? तुम इतना कटे कटे से क्यों रहने लगे हो? मैं देख रही हूं जब से शिल्पा ने आना शुरू। शिल्पा का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। नाम लेने पर इतना गुस्सा? प्रिया, फूल सजाने से अच्छा होगा तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद करो। मैं मदद कर रही थी मगर शिल्पा ने आकर सब कुछ। प्रिया प्लीज, प्लीज एंड फॉर गॉड सेक, ये फूल मेरे सामने मत सजाओ, मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। या तो तुम इन फूलों को बाहर ले जाओ या मैं बाहर चला जाता हूं। ओके, मैं बाहर चला जाता हूं। अम्मा, हो गया फिनिश। हाय बेटा। अच्छा, बैग पहन लिया? वाटर बॉटल ले लिया? भाई? जी भाई। मैं इनको स्कूल बस तक छोड़ के आ रही हूँ, उनका टाइम हो गया, देख लेना। चलो ओके, चलो। और तो क्या प्रोग्राम है आज जनाब का? आज जनाब का प्रोग्राम घर पे बैठने का है। आज जनाब का प्रोग्राम माँ के साथ बैठ के आचार बनाने का है। और आज जनाब का प्रोग्राम घर पे बैठ के जनाब का इंतजार करना है। और जनाब का मतलब ये कि आज हमें जनाब के लिए जल्दी आना। ये उस जनाब की मर्जी? नहीं नहीं, जब जनाब ने इंतजार की बात की है तो हमने जनाब को इंतजार तो कभी करना है बल्कि इंतजार किया। अब ये उस जनाब की डेफिनेशन में रोमांस है कि आशिक इंतजार करे और माशूका उससे इंतजार करवाए। एनीवे, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा और हम लोग खाना खाने बाहर चलेंगे और फिर और क्या? आप अभी ऑफिस जाएंगे? ओके, ठीक है। What the hell are you doing? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये किया क्या तुमने? सारी रात एक तो शिल्पा ने बैठकर ये डिजाइन्स बनाए, सुबह से मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम देख रही हो, उस पर तुमने क्या किया? बजाय इसके कि तुम हमारी कुछ मदद करो, इसमें कुछ ऐड करो, तुमने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। अरे धो डाला तुमने इनको। अरे जरूरत क्या थी तुम्हें डिजाइन्स को यहां से यहां पे लेके आने की? हाँ, फूल सजाने थे इन पे। और अगर बाई चांस हमारे क्लाइंट्स इस वक्त यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हमें प्लीज डिजाइन दिखाइए, तो मैं उन्हें क्या दिखाऊंगा कि आइए सब देखिए डिजाइन देखिए, बहुत खूबसूरत फूल सजाए हैं प्रिया जी ने इन पर, बहुत अच्छे हैं, प्लीज इन्हें पास कर दीजिए, प्लीज बहुत खूबसूरत है। Damn it.
हेलो हेलो सुमेर। यस मैं वसुधा बोल रही हूँ। ओह हाय वसुधा, कहो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ, बस ऑफिस ही पहुँच रहा था। सुमेर उस केस के बारे में क्या सोचा तुमने? वसुधा आर यू श्योर यू वांट टू गो एट? मेरा फैसला तो बिल्कुल अटल है सुमेर, तुम बताओ तुम ये केस लड़ना चाहते हो? देखो अगर तुम लड़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ वसुधा। ओके बस यही पूछने के लिए फोन किया था। अब कुछ मत पूछो, मैं सब कुछ देख लूंगा। अब जब केस अपने हाथ में ले लिया है तो मैं ही हैंडल करूंगा सब कुछ, यू डोंट वरी। और बाकी सब ठीक है? नेहा कैसी है? नेहा बिल्कुल ठीक है, जो जो तुमने कहा है वो केयर कर रही है, शी इज डूइंग इट एंड फॉलोइंग इट। उसकी तबीयत कैसी है? अभी जब मैं घर से निकला 15-20 मिनट पहले तब तक तो ठीक थी, बाकी तुम पूछ लो, मैं बात कर लूंगी। थैंक यू सुमेर। जरा फोन उठा रहा बेटा। देख बेटा, ये नाराजगी, ये गुस्सा, ये जल्दबाजी सब छोड़ दो ना। मैं समझती हूँ तू जो कर रही है सही है, वो जो कर रहे हैं वो गलत है बिल्कुल, लेकिन ये सब करने से तुझे क्या फायदा? मौसी कम से कम जीने में अपनी जिंदगी में तो नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। जिंदगी उसी तरह जीनी चाहिए जिस तरह हम चाहते हैं, अपनी जिंदगी। पता है मुझे अभी भी तू वैसे ही लग रही है जो झूले में लेटे लेटे आसमान को ताक रही थी। मुझे तो तेरा पहला दिन भी याद है जब मैंने तुझे झूले से उठाया था। अभी भी तू वैसी ही है, बिल्कुल वैसी है। पर जब तू ये बड़ी बड़ी बातें करने लगती है और मेरी समझ में नहीं आती है ना बातें, तो फिर मैं सोचती हूँ मेरी वसुधा बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। हाँ माँ, तुम्हारी वसुधा बड़ी हो गई है, अपनी देखभाल कर सकती है, तुम उसकी चिंता मत करा करो। माँ मेरे इस रेजिग्नेशन से हॉस्पिटल का करप्शन ही खत्म हो जाएगा, ना ही हम भूखे मरेंगे और ना ही ईमान बेईमान की जंग खत्म होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। सवाल ये नहीं है कि मेरी बातों का किसी पे असर होता है या नहीं, या मैं किसी को सुधारूं। शायद मैं गलत हूं, शायद मैं हार जाऊं, लेकिन ये एक तजुर्बा होगा, मेरी जिंदगी का तजुर्बा। और मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं ये केस जरूर लड़ूंगी। माँ या तो इस माहौल से मैं चली जाऊंगी या फिर इस माहौल को मैं बदल डालूंगी, कुछ तो करूंगी। हाँ बेटा ये बात सच है, ये अभी कुछ देर पहले हुआ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बात अभी किसी को बताना मत, हुँ? वसुधा और मौसी को भी नहीं। तुझे तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ।
देख बेटा, मुझे बहुत डर लगता है ऐसी चीजों में किसी की नजर न लग जाए। तो 5 दिन गुजर जाने दे, उसके बाद हम खुद ही सबको बता देंगे। और फिर ये वसुधा से सारे टेस्ट भी करा सकती है। अच्छा जरा एक मिनट रुक, इससे बात कर ले। मैंने कहा जनाब, हमें घर से धक्के देकर निकाल कर और ये कहकर कि हम आपका इंतजार करेंगे, पीछे से हमारे खिलाफ साजिश। साजिश? हाँ, ये साजिश ही तो है, ताकि हमारा काम में मन ना लगे। सुमेर, तुम जल्दी घर आओ। अब किस कमबख्त का मन लगेगा काम में, मैं अभी पहुंचता हूँ, आप बस हमारा इंतजार कीजिए। कहना है जनाब? आप तो कुछ कहिए। I love you। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो हमारी जिंदगी बना दी आज। Anyway, I love you too। I'll see you there। Bye। Yes। कल कल ऑल टुमारो एंड कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट्स टुडे, ओके? अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ। एक बार फिर से सोच ली ना बेटा। माँ, शाम को खाने में क्या बनाओगी? मुझे तो अभी से भूख लग रही है। बस हंसते हुए वापस आ जा। जब लौटती है ना, मुस्कुराते हुए घर में आते देखना चाहती हूँ मैं तुझे। उसके बाद तू जो बोलेगी मैं खिलाऊंगी तुझे। जैसे मैं मुस्कुराती हुई हंसती भी जा रही हूँ ना माँ, बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराते हुए हंसती हुई वापस आऊंगी। एक वादा मैं तुमसे और अपने आप से कर रही हूँ, मैं अपने कर्मों की वजह से अपनी मुस्कुराहट पे आँच नहीं आने दूंगी, उसे धुंधला नहीं होने दूंगी। ये वादा मैं तुमसे करती हूँ। लोग चाहे मुझे अपने जायज रिश्ते बनाए हुए दे ना दे, लेकिन मैं उन्हें अपने कर्म, अपना नजरिया, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां नहीं लेने दूंगी। अरे, ऐसी सूरत क्यों बना रखी है? ऐसा लगता है जैसे स्कूल की फीस माफ कराने आए हो। स्माइल डॉक्टर। वसुधा, मुझे डर है कि अगर कहीं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया तो क्या हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरी काबिलियत पर भरोसा नहीं? आपको लगता है इसके बाद मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मेरा मेडिकल करियर टूट जाएगा? या कहीं तुम खुद अपने आप पर शक तो नहीं कर रही कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा? डॉक्टर गिरीश, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम्हें ही मुझे संभालना पड़ेगा। ये सारा जिम्मा तुम्हारा है भाई। कहीं भी जाओ, किसी से भी शादी करो, कभी भी करो, ये दोस्त आपको जिंदगी भर डिवोर्स नहीं देने वाला। मैं तुम्हें कभी जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। उससे तंग भी आ गए ना तो That's your problem, not mine. Okay? अब शक्ल ठीक करो, मुस्कुराहट चिपकाओ, मीटिंग है अंदर। प्रिया, तुम कितनी बार सॉरी बुलवाओगी मुझसे? बार बार सॉरी कह चुका मैं तुझसे। Anyway, I'm sorry again. और देखो प्लीज, काम के वक्त मुझे प्रेशराइज मत करो, बहुत काम है मेरे पास। और जाओ, प्लीज जाके मूड धो कर आओ। Good morning. Good morning. Hi, Shilpa. Hi. What's
शांत प्रिया? राज? बस कुछ नहीं है। क्या हुआ? ये कुछ कहना है? No thanks. Are you sure? Yes. मैं अभी आती हूँ। Do me a favor, please. ये फूल बाहर ले जाओ, please. तो कहाँ थे हम? Where are the papers? जैसा कि आप लोग जानते हैं, वसुधा बचपन से ही हमारी संस्था में है। हमारी संस्था के स्कूल में ही पढ़ी, बड़ी हुई, डॉक्टर बनी और फिर हमारे ही अस्पताल में काम किया। उसके अलावा इनका जो योगदान है उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो आप सब लोग जानते भी हैं। वसुधा हमारे लिए सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, हमारी बेटी भी है। लेकिन आज ये नौकरी छोड़ना चाहती हैं, इस्तीफा देना चाहती हैं। किन कारणों की वजह से, क्या कारण हैं, वो सही हैं या गलत हैं, ये तो तय हो ही जाएगा वक्त के साथ। और मैं इतना भी जानता हूं कि वसुधा का इस्तीफा नामंजूर करने से इस संस्था के लिए सहायता, मदद बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मगर फिर भी मैं वसुधा का यह इस्तीफा नामंजूर करता हूं और इसे आप सबके सामने फाड़ता हूं।